परम पवित्र तीर्थ में चले, वृंदावन चले आए तीर्थ में। वहां जाकर क्या करें तो पहले जमुना जी में स्नान करें। जमुना जी में स्नान करके सूचौ विविक्त आसीन हो, परम पवित्र होकर आसन लगा, आसन लगा करके अभ्यास कर, और अभ्यास करके अपने प्राण वायु को रोके। यदि प्राण वायु नहीं रुकता रुकता है तो अनुलोम विलोम करके पूरक कुंभक और रेचक के द्वारे अपने प्राण वायु को भस्म कर। मन कर्मा धीरा चित्त सुभाते धार एक दिया। यदि बार बार अभ्यास करने के बाद भी मन इधर उधर भागता है तो घबरावे नहीं, चिंता मत करें, अभ्यास जारी रखें। अभ्यास जारी रखना क्या मन नाम चलता रहे, मन जाता है जाने दो, भागता नाम रखते जाओ। नाम प्रभु की ऐसी सामर्थ्य है, कितना देर भागेगा भागने दो, एक दिन नाम प्रभु पकड़ लोगे। जीव के बस की बात नहीं है, मन को बस में कर। मन बड़ा दुर्निग्रह है महाराज, असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह, बड़ा दुरा। इसके लिए ठाकुर जी कहते हैं अभ्यास योगिन ततो माम इच्छा तुम धनंजय, अभ्यास करो। और अभ्यास छोड़े ना, अभ्यास क्या करना है, नाम रखना है। और नाम रखने भी मन नहीं लगता है तो कहते हैं चिंता मत कर, अभ्यास समर्थो सी मत कर्म परमो भव। यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हो तो एक यार झाड़ू ले लो, ब्रजरज ही बाहर दो। अभ्यास समर्थो सी मत कर्म, तो कर्म देने लिए कर्म कर। आंख मूंद करके नाम रटने में यदि तुम्हारा मन इधर उधर भागता है तो एक झाड़ू खरीद लो, झाड़ू खरीद करके झाड़ू लगाओ और हरे कृष्ण कहते रहो, भगवान का नाम लगाओ। इसलिए धीरे 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 तुम्हारा चित्त चला जाए, चिंता मत करो। और यदि वैसे भी तुम असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् वाप्स्यसि। कर्म करो और कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। इस प्रकार यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त और तमोगुण से मूर्त हो जाए तो घबराए नहीं, महाराज धैर्य के साथ पुनः लग जाए उसे, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों को भगवान का जो नाम है महाराज ये रजोगुण तमोगुण दोनों को नष्ट कर देता है। और धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जो भी अपने मंगलमय आश्रय को देखता है वह कौन है, भगवान। वो भगवान कैसे मिलते हैं तो कहते हैं भक्ति योग से आसु संपद्यते योग आश्रयम भद्र विच्छेद। बड़ा शीघ्र मिल जाएंगे वो प्रभु महाराज, केवल अभ्यास छोड़ना नहीं। अभ्यास का अर्थ होता है नाम रटना, नाम का अभ्यास छोड़े। तब महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि जथा संधार्यते ब्रह्मन धारणा जत्र संगता, आप कृपा करके बतलाइए कि धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका स्वरूप क्या है, जो मनुष्य के हृदय के मल को बड़ा शीघ्र मिटाए, ऐसा उपाय बताइए। तब ठाकुर जी कहते हैं जितासनो, अपने आसन को मत छोड़ना, अब देखिए साधन बताए, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अब भगवान साधन बता रहे, जितासन एक आसन को अभ्यास करो, अपना आसन छोड़ो, आसन पर बैठ जाओ। आसन पर बैठने पर मन इधर उधर भागता है तो जित श्वासो, अपने श्वास को रोक लो, श्वास रोकना मन कुंभक रेचक के द्वारा अपने मन को भस्म कर लो। फिर भी मन इधर उधर भागता है तो जीत संग, संग का संस्कृत में आसक्ति को कहते हैं। हम लोगों को आसक्ति दो वस्तु में होती है, जहां हमको अच्छा लगता है वहां मन कर मन दौड़ कर चला जाता है। जीत संग जहां खूब अच्छा खाने को मिले और जहां सोने को मिले तो मन वहीं चला जाता है। तो उन वस्तुओं के आसक्ति को तू छोड़,
कैसे छोड़ेगा? तो कहते हैं जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को वश में। इंद्रियों को वश में करने का मतलब होता है, यदि आंख इधर उधर भागता है तो एक चित्र रख लो, ठाकुर जी के चित्र ले, कान में इधर उधर सुनने के मन करता है तो कृष्ण कथा सुनो, सूंघने का मन कर रहा है तो श्री कृष्ण के चरण पर चढ़ी हुई तुलसी को सुनो, जीभ लपलपा रहा है खाने के लिए तो श्री कृष्ण का प्रसाद पाने का अभ्यास करो, यदि कोई ही का स्पर्श करने का मन करता है महाराज वैष्णव का संग करो, वैष्णव का चरण छुओ, वैष्णव का अक्षण कलम का दृश दर्शनम ही तन्मा फलम का दृश गात्र सर्वा, यदि स्पर्श करने का मन करता है तो महत्पुरुषों के चरणों की सेवा कर, स्पर्श कर, इससे क्या होगा तुम्हारा जो बहिरंग इंद्रियां है वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा छूट गए। और यदि तुम्हारा श्री कृष्ण के रूप पर मन स्थिर नहीं हो रहा है तो स्थूले भगवतो रूप मन संधारित इंद्रिया, और स्थूल रूप का ध्यान करो, स्थूल रूप का अर्थ स्थूल रूप क्या है, यदि पेड़ पर मन चला गया तो सोचो ये भगवान का रोमा है, आकाश पर मन चला गया तो सोचो भगवान का शीर है, पाताल में मन चला गया तो सोचो ये भगवान का पैर है, पहाड़ पर मन चला गया तो सोचो ये भगवान की हड्डी है, नदी में मन चला गया तो सोचो भगवान की ये नस नाड़ियां हैं, ये सारा विश्व प्रपंच ही स्थूल भगवान का रूप है। आंड कोशे शरीरेस्मी सप्ता वर्ण संयुता वैराज पुरुषो जो सो भगवान धारणा सो है, ये कितना सुंदर उपाय होता है। मुरली मनोहर श्री कृष्ण के चिंतन करो, यदि उसमें मन नहीं लगता है तो तुम्हारा मन जहां जाता है वही ठाकुर जी को खड़ा करो। राधा भवन बड़ा सुंदर एक मन साधक के लिए मन का वर्ण के है, कहते कहीं जाने तो मन को यार, जहां जाता है वही कृष्ण को खड़ा कर दो, वही कृष्ण है, पहाड़ पर गया तो सोचे भगवान का हड्डी है, इधर उधर नहीं है सब। पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसिजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, पूरा विराट संसार को भगवान का रूप में देखो, पाताल विराट पुरुष के तल में हैं, उनकी एड़िया और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर जो महातल है और पैर के पिंड जो है वो तलातल है, यह विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और जांघे पीतल अतल और पेड़ भूतल है, देखिए भगवान का। और परीक्षित इनके नाभि रूप सरोवर में ही यह संपूर्ण आकाश टिका हुआ है, आदि पुरुष परमात्मा की छाती ही स्वर्ग लोक है, इशारा संसार का वर्णन, गला ही महर लोक है, मुख जन लोक है, ललाट तप लोक है, महाराज सहस्त्र शीर वाले भगवान नारायण ही ये जो का मस्तक है वही सत्य लोक है, ये पूरा नाभ्यास सहस्त्र शीर का पुरुख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद जितना भी महाराज पुरुष सूक्त का मंत्र है ये सब भगवान ने एक एक श्लोक में दे दिया। इस प्रकार अपने मन को ठाकुर जी में लगाओ, लगाने का सारा संसार जो भी दिख रहा है भगवान है, इस तरह भगवान का स्थूल रूप का वर्णन किए, फिर सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं कि महाराज वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि चित्त को कहीं भी लगने नहीं दे, चित्त जहां जाए वहां भगवान में लगा दे, इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय है, जितना चाहिए उतना ही रखे, अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता का निश्चय रूप से जान ले। महाराज यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के जो ही मिल जाए तब उसके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझ करके उसके लिए कोई प्रयत्न न करे,
यदि हमको रोटी दाल बिना मेहनत का मिल रहा है तो परिश्रम मत करो, कुछ यार माला जप भगवान का नाम रटो, खाना पीना तो मिल ही जा रहा है, उसके लिए क्यों परिश्रम करो। अब सुखदेव जी बताते हैं, देखो भाई संसार मिलता है प्रारब्ध से और भगवान मिलते हैं पुरुषार्थ से, लेकिन आदमी इतना मूर्ख है कह दिया जाए तो भजन करो तो कहता है करूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, और भगवान के भजन के लिए कह दिया जाए तो कहता है कि जो भाग में होगा तो भजन कर लेंगे, उल्टा कर देता है। संसार मिलता है प्रारब्ध से, तुमको रोटी दाना जो भी मिलता है तुम्हारे भाग से, भगवान मिलते हैं महाराज करने से, वो भाग में नहीं लिखा रहता उसके लिए जो करना पड़ता है, लेकिन आदमी बिल्कुल उल्टा कर देता है। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल संसार के लिए काम नहीं करना चाहिए, खाने पीने के लिए तो बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहिए, रोटी सब्जी के लिए कोई काम न करो। सुखदेव जी कहते हैं तब महाराज कैसे होगा, भजन कैसे होगा, तब उपाय बताते हैं। सत्याम छितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिधौ युपबरणै किम सत्याम जलौ किम गुरुधाम पात्या दिग्वल कलादौ सति किम दुकुलै। सुखदेव जी का कितना बड़ा वैराग्य है, कितनी बड़ी उनकी धारणा है, कहते हैं यार जब तुझको जमीन है तो पलंग की क्या आवश्यकता, जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो खाट की क्या जरूरत है। अरे यार खाट तो मिल ही रहा है, बिना मेहनत के तो शासन को खाट मिल जाता है। आज यदि भगवान बाह दे दिए तो तकिया की क्या जरूरत, सब कुछ तो पहले से मिल चुका है। बाहव ससिद्धि युगर हड़े की असत्यान जलो किम पुरधान पात्र्या, जब हाथ मिल गया अंजलि मिल गया तो लोटा कटोरी थाली की क्या जरूरत। बरसाना में एक महात्मा को मैं देखता था, कभी अपने अपने कुटिया में महाराज लोटा थाली कुछ रखते ही नहीं, वो मधुकरी करने के लिए जाते हैं ऐसे रोटी मिल जाते वहीं खा लेते उसी घर में ऐसे ऊपर है। सत्यांजलौ किम गुरुधान पात्या दिग्वल कलादौ सति किम दुकुलै। सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज यदि पेड़ों का छाल प्राप्त है तो वस्त्र की क्या जरूरत है। तो कोई कहे महाराज वस्त्र बिना तो नहीं रहा जा सकता है, इतना तो वैरागी हम नहीं हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां, क्या रास्ता में चिथड़ा नहीं है, रास्ते में कपड़े मिलते हैं ना, शमशान घाट पर जाए बहुत कपड़े ऐसे फेंका रहता है। पंखा बंद किए बंद किए, इसको बंद कर देंगे नीचे देखिए भगवान का नाम रटना है और नाम रटने में यदि कुछ कमी हो तो उसको हटा रहे सुखदेव। कहते हैं देखो अब नाम रटने में कपड़े की जरूरत है तो कपड़े के लिए किसी सेठ साहूकार के पास मत जाओ, किसी से आज मांगो मत, रास्ता में चिथड़े मिल जाएंगे चिंता मत करो। और दिशंत भिक्षा, क्या रास्ता में कुछ भीख नहीं मिल रहा है, भूख लगे तो कहीं मांग लो, या पेड़ पौधा नहीं है क्या,
तुम्हारा खाना तो मिल जाएगा, ठीक है, कपड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन रहेंगे कहाँ? रहने के लिए कोई जगह तो बताए, रूम वूम कोई साधु आश्रम में जाने नहीं देगा, कहेगा कि हमारे संप्रदाय का है, वो कहेगा मेरे संप्रदाय का है, हम अपने महल में नहीं रहने देंगे, हम रहेंगे कहाँ? कोई गृहस्थ भी अपने घर में नहीं रहने देगा तो कहाँ रहे? तब सुखदेव जी कहते, रुद्धा गुहा की मजितो वतिनो बसरना। क्या पहाड़ भी अपने गुफा बंद कर लिया है, वहां रहने की जरूरत, वहां रहने की जगह नहीं है क्या? सुखदेव जी का नहीं कैसे रहेगा? अरे गुफा जो होता है ना, उसमें सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, इतना सुंदर रहता है गुफा। गुफा में जो महात्मा रहते हैं वो जानते हैं, एकदम मस्त रहता है। फिर कहते हैं कि मान लो कुछ भी तुझे न मिले तो भगवान भी क्या अपने भक्तों को सहारा देने छोड़ दिए हैं क्या? अंत में कहा, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वं भरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जीवनम स्तन्यम कथम विसरेत। कितना बड़ा भैया, एक केवल हरे कृष्ण करना है, और उसमें जो बाधा है उसको हटाने के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, और अन्य लोगों को रोटी मिले या न मिले, लेकिन नाम संकीर्तन करता है उसके पीछे पीछे रोटी चलता है हमारा। ये मैं देखा हूँ, नाम करने वाला खाने बिना रह नहीं सकता, उसको व्यवस्था की जाती है। राम नाम पर करही भरोसा सुंदर भोजन मिलही भरोसा। ये राम राम रटने वालों को दोनों टाइम भोजन थाली मिलता है। देखिए भागवत निवास में कोई दुष्ट काम नहीं, मिल रहा मिलेगा, मिलेगा तो बहुत दूर बात है। वाह, केवल कुछ न करे नाम रटे तो उसके पीछे थाली आ जाए, मन करे तो चला जाए भोजनालय में, तो नहीं जाएगा तो वही रोटी आ जाए। मैं तुम्हारा गांव से देखा हूँ, खैरा गांव में एक बंगाली महात्मा आए थे, उनका पैर भी नहीं था, हाथ भी नहीं, 90 की बात, हाथ भी नहीं था और पैर। गांव वालों ने उनको कुटिया बना दी, लैट्रिन बना दिया, और दोनों टाइम रोटी सब्जी उनके घर पर आ गया। राम नाम क्या है तो हाथ पैर है हमारे, भगवान के नाम में अद्भुत पावर, अद्भुत शक्ति। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान जो मन सिद्ध स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम पुरुष प्रियतम जो परम सत्य भगवान है, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हमारा वैराग होना जरूरी है, बिना वैराग का यदि कोई सोचता है तो भगवान की भक्ति पूरी नहीं मानती, भक्ति देवी बिना वैराग का अधूरा है, क्योंकि बेटा है वैराग, कौन है बेटा, अपना बेटा है। माँ को पास बेटा को हटा देंगे तो माँ को कितना कष्ट होगा, भक्ति देवी भक्ति ज्ञान हो गई। तत्तम निर्मितो नियतार्थ भले तो संसार हेतु परमस्य यत्र। इस प्रकार उसके चित्त में परम पुरुष प्रकट हो जाते हैं, और एक एक रूप का महाराज यहाँ पर वर्णन किया गया है, कैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग जिसके चित्त में प्रवेश करता है तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। चतुर्भुज कंजरदांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। बड़े बड़े जोगी जोगी लोग आंख मूंद करके अपने हृदय में ही प्यारे श्याम सुंदर के अचिंत स्वरूप का चिंतन करते हैं। सुंदर प्रसन्न वक्त है, नलिना यतेक्षण बहुत सुंदर नेत्र है उनका, कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, सुंदर सुंदर पीत वस्त्र का ठाकुर जी का कपड़ा भरा वस्त्र भरा रहा है, बड़े महंगे महंगे गहने पहने हुए हैं, पूर्ण महारत्न किरीट जुष्टम, सुंदर सुंदर ठाकुर जी का मुकुट है,
इस प्रकार ठाकुर जी उसके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। आ एक बार जिसके चित्त में प्रभु का पदार्पण हो गया, प्रभु आ गए, तो महाराज वह मस्त हो जाते हैं। नजत्र कालो निमिषा परम प्रभु कुतो देवा जगतामयीश्वरे। जब भगवान आ गए महाराज, तो वहाँ काल का मजाल नहीं कि वहाँ फटक जाए। नजत्र कालो, अच्छा भगवान की जगत में महाराज काल का प्रवेश नहीं है, न निमिष है। नजत्र सत्वम न रजस तमस्य न वै विकारो न महान प्रधानम। वहाँ पुरुष प्रकृति महातत्व कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर है भगवान। वो अपने स्वरूप में भक्त लोग स्थित हो जाता है, बस यही है। न हेतुयम शिव पंथा विशतो संसता विधि। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कल्याण का मार्ग है? किसी भी तरह श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों को तीन बार अनुशीलन किया, तीन बार पढ़ा। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम प्राप्त हो जाए, वही धर्म है। बस रतिरात मजतो भवे, भगवान के चरण कमल में प्रीति हो जाए, इसी को भक्ति कहते। इसलिए हे महाराज, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य भगवान ऋषि। कहते हैं इसलिए परीक्षित, मनुष्य को चाहिए कि सब समय सब स्थिति में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण। मनुष्यों का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही, खूब नाम रटे, खूब चिंतन करे। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य भगवान का, यही सबसे बड़ा। संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा मधुर अमृत बांटते ही रहते, भगवान की लीला कथा हमेशा चलती है, हमेशा। आज तक सृष्टि में कीर्तन कथा कभी बंद नहीं, जब से सृष्टि हुआ ब्रह्मा जी से लेकर आज तक नित्य निरंतर कथा कीर्तन चल ही रहा है। जिसके भाग में है मिलता है, और जिसके भाग में नहीं है उसको मार पीटा मिलता रहता है, संसार का धक्का मिलता रहता है। इसलिए महाराज अपने कान को दोनों में भर भर कर उसका पान करें, नित्य निरंतर कथा मृतम श्रवण पुटेश संभृतम। ये कान है ना महाराज, ये कान, कान एक दिल भी रहता तो सुनाई दे देता, लेकिन ऐसे ऐसे इतना कैसे क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि जैसे अंजलि में पानी भरते हैं, वैसे इस कान रूपी दोने को चक पीते रहो महाराज। क्या पियो पिबंति जी भगवत आत्मन सता कथामृतम श्रवण फुटेश संभृतम। अपने कान के दोनों में भर भर करके कथामृत का पान करते हो, इतना पियो इतना पियो कि पुनंतिते विषय दूषिता से। अपने हृदय में विषयों का जो विषैला प्रभाव है, सुनते सुनते हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से सुन ही रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? तो विषैला विष का, विषय का विष भरता जा रहा है। तो इतना कथा सुनो, इतना कथा सुनो कि महाराज विषयों का जो विषैला प्रभाव है चला जाए। पुनंतिते विषय विदुता स्वयं, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उसको सानिध्य प्राप्त हो जाए। ये कैसे प्राप्त होगा? तो केवल कथा सुनो, बार बार सुनो, नित्य निरंतर कथा सुनते 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 उसके चित्त पवित्र हो जाए। और यदि सकाम कर्म में जो तुम्हारा मन लगा हुआ है, तब महाराज कहते हैं कि तुझको यदि
ब्रह्म तेज की इच्छा है तो बृहस्पति की पूजा करो, इंद्रियों में शक्ति की कामना है तो इंद्र की पूजा करो। महाराज तुझको पैसा इत्यादि की इच्छा है तो माया देवी की उपासना करो, धन की इच्छा है तो वसुओं की आराधना करो, अन्न की इच्छा है तो अदिति के पुत्रों की पूजा करो, उम्र की इच्छा है तो अश्वनी कुमार की आराधना करो, तुझको पुष्टि की इच्छा है तो पृथ्वी की आराधना करो, खूब सुंदर रूप लेना चाहते हो तुम्हारा गंधर्वों की पूजा करो, तुझको शादी करने की इच्छा है स्त्री की इच्छा है तो उर्वशी की आराधना करो, आधिपत्य की कामना है तो ब्रह्मा जी की पूजा करो, अरे तुझको धर्म की कामना है तो उत्तम श्लोक भगवान की पूजा करो। अंत में कहते हैं अकाम सर्व काम होवा मोक्ष काम उदार धि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तुझको खूब कामना हो जाए, कोई कामना नहीं, तुम्हारा भगवान विष्णु का भजन करो, कैसा भजन करो तो तीव्र भक्ति होगी, यदि पुरुषम परम। तुझको रोटी दाल की भी इच्छा है तो महाराज कृष्ण की आराधना करो, वही मिल जाएगा, लेकिन भगवान का भजन कभी निष्फल नहीं जाता है, रोटी दाल तक सीमित नहीं रहता है महाराज। जो ठाकुर जी का भजन करता है, अन्य देवी देवताओं का भजन करोगे तो भागवत में लिखा गया है जोख करके तौल करके महाराज देंगे, जितना भजन किया उतना ही देंगे। अन्य देवी देवताओं का भजन करेंगे तो देवता लोग तौलते हैं, जितना माला जप किया है उतना ही देंगे, एक इधर उधर नहीं देंगे। लेकिन भगवान का भजन करोगे तो महाराज भगवान का भजन यदि करोगे तो भगवान तो संसार की वस्तु को दे ही देंगे और अंत में अपने आप को देंगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, देवताओं जैसा नहीं है। बिनु सेवा जो द्रव ही दीन पै राम सरिस को नाही। अरे महाराज ठाकुर जी जैसा कोई है ही नहीं, तुम सेवा करो या न करो अपनी पत्नी को तो दे दिए, पृथ्वी मैया को दे दिए, हवा दे दिए हैं, सूर्य का प्रकाश दे दिए हैं, अंतःकरण दे दिए हैं, हम लोग के शरीर में महाराज आद्या परांपा शक्ति भी दे दिए हैं, हम लोग को जो शक्ति आँख का नाक का मिलता है, हम लोग सोचते हैं रोटी दाल से मिल रहा है, वो रोटी दाल से नहीं मिल रहा, वो शक्ति भगवान दे दिए हैं, शक्ति तो शरीर में दे दिए हैं। हम लोग के पास एक हवा है, नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, बीच में एक देवी बैठी है, वो दोनों हवा एक हो जाए तो आदमी मर जाता है, तो उसका भी कंट्रोल ठाकुर जी वहां पर कर रहे हैं। तो तुझको कुछ भी काम, समस्त साधनों का यही साधन है एता वाली अजयता यह निश्रेयसोदय भगवत के चलो भाव भजन भागवत संश्रय। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करे, भगवान प्रेमी भक्तों का संग करके ठाकुर जी के चरण कमल में प्रीति हो जाए। देखो भाई, देवी देवताओं की आराधना से बड़ा आराधना है किसी साधु की सेवा, महात्माओं की सेवा की बड़ा भारी महिमा है। महात्मा लोग किसी को संसार देते नहीं, संसार मांगेगा भी तो उसको मार देंगे, तो उसको प्रेम ही देंगे। इसलिए आराधना यदि करना है तो साधु की आराधना करो, संतों की आराधना करो। कहते हैं एता वादेव यजता यदि श्रेय सोदयम भगवत के चलो भाव जद भागवत संश्रय। आराधना किसकी करना है तो साधु की आराधना, साधु की आराधना करेंगे तो साधु क्या देगा, रोटी दाल नहीं देगा, वो कह देगा हरे कृष्ण देगा, उसके कान में महामंत्र देगा, रट रट रटते रह, खाना नहीं मिले तो कहीं भीख मांग लेना, लेकिन नाम मत छोड़ना। तो ऐसी वस्तु साधु लोग दे देते हैं। इस प्रकार महाराज उसका चीत परम प्रिय भगवान में लग जाता है। सूत जी आप तो जानते ही हैं, हम लोग उनकी बात चीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। संकादिक ऋषि लोग कह रहे हैं कि आप तो खूब अच्छे से जानते हैं, हम लोग संसार की चर्चा सुनना नहीं चाहते हैं, आप कृपा करके कृष्ण की लीला कथा सुनाइए।
क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बात होती रहती है जिनका पर्यवसान भगवान की रसमय लीला कथा में ही होती है। वे नित्य निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य लीलाओं का ही गान करते रहते हैं। अरे महाराज, बहुत दिन जीने से क्या फायदा, बहुत उम्र हो गया उसे क्या फायदा होता है। आयु हरति वही पुरुषां, एक एक सेकेंड करके सब लोग मरते जा रहे हैं। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु वैसे ही व्यर्थ चला जाए। उसी का जीवन सार्थक है, उसका है उम्र सार्थक है। जिस समय जिस क्षण जीव से ठाकुर जी का नाम निकलता है काल में भगवान के मंगलमय कथा होती रहती है। नहीं तो अधिक दिन जीने से क्या फायदा, खूब दवा ववा खाकर बहुत लंबा उम्र है क्या फायदा। तरवा किम्न जीवन, पेड़ पौधे क्या जीवित नहीं रहते, पेड़ पौधों को भी तो बहुत उम्र है। तो कहेंगे कि पेड़ तो सांस नहीं लेता है, तो कहते लोहार की थौकी भी सांस नहीं लेती, वो तो सांस लेती है, लोहार की थौकी देखे हैं। तो कोई कहेगा कि वो तो शौच नहीं होती, न खाती नहीं उस धौकनी। तो कहते हैं न खादंती न देहंती किम ग्राम पशुओं पर, क्या कुत्ता बिल्ली खाते और शौच नहीं करते। तुम्हारा शरीर खाने सोने के लिए ही शौच होने के लिए है, तो कुत्ता बिल्ली का देख। अरे महाराज, सबीड भरा होष्ट कर संस्तुत पुरुष पशु न जत कारण कथोपेत जातु नाम गदाग्रज। जो भगवान श्री हरि के मंगलमय कथा को अपने कान से सुनता नहीं वह कुत्ता है, स्वर्ग कुत्ता होता है। फिर कहते हैं कुत्ता ही नहीं बीट बड़ा है, गांव का सुअर है। फिर कहते हैं ऊष्ट ऊंट है, खरई गधा है। वो मनुष्य होते हुए भी महाराज जो है न जत कर्ण कथो बेटा जातु नाम गदा ग्रज। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसका कान सांप के बिल के समान। सांप माने संसारिक चर्चा, जैसे सांप चूहे के बिल में घुस जाता है वैसे ही कान में केवल संसार की विषय कथा ही चलता रहता है। और जो जीव कृष्ण नाम संकीर्तन करती नहीं वह महाराज दादुर, दादुर का जीव है, दादुर मेढक टर करते रहते हैं। घर से आप रोड पर बाहर जाइए टर चालू हो जाता है। एक महात्मा कहते थे आज सुखदेव गोस्वामी जो कीर्तन नहीं करता उसको मेढक क्यों कहे, तो शायद वो स्टेशन पर गए होंगे वहां जाकर देखे।